शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि हमने अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं द इन्वेस्टोलॉजी, जिसका हम लोगों ने नाम डिसाइड करा है। एंड इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ एवरी संडे एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करता हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। सो मैं एवरी संडे ना टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर देता हूँ उस PDF, बट हम लोगों ने अब से वो बंद कर दिया है। आज लास्ट डेट था। आप लोगों को अब एवरी वीक मेल के थ्रू वो रिसर्च रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, मेल पे मैंने ऑलरेडी अभी पोस्ट कर दिया है, तो जिन लोगों ने भी मेल के लिए अप्लाई करा था इस रिसर्च रिपोर्ट के लिए, उन लोगों को मेल में मिल गई होगी। तो मैंने पूरा बता रखा है कि आप लोगों को एवरी डे चाहिए, एवरी वीक चाहिए, तो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिख जाएगी। तो हम बात करते हैं गाइज कि अब कल मंडे है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, मार्केट 3-4 दिन से लगातार गिर रही है। क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर, क्या फर्दर फॉल आ सकती है, क्या हमारा टॉप बन चुका है, सारी बातें करेंगे। कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मार्केट से रिलेटेड, एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो के अंदर। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारी एक रिसर्च रिपोर्ट है जो मैं एवरी संडे आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम पे आप लोग वो रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। सो अब गाइस, आप लोगों को ये बात जाननी इंपॉर्टेंट होगी कि टेलीग्राम से हम वो रिसर्च रिपोर्ट अब से हटा रहे हैं, एंड आप लोगों को एवरी वीक वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड होगी। अब गाइस, जित ऑलमोस्ट अराउंड 3600 पीपल ने रजिस्टर्ड करा था इस ईमेल, इस रिसर्च रिपोर्ट को मेल में जानने के लिए। सो यहाँ पर गाइस, हम लोगों ने आप लोगों को सेंड कर दिया है। आप लोग अगर अपने मेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा शिवांश भसीन के नाम से आपको मेल दिखेगा। आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपको प्राइमरी इनबॉक्स पे दिख जाएगा, अदरवाइज अगर आपको नहीं दिखता तो आप लोग चेक कर सकते हैं प्रमोशंस पे, या एक बार आप स्पैम पे जाके चेक कर लेना अगर आपको दिख जाए तो। ठीक है, जैसे अब आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, आपको सीधा इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेरा नाम दिख रहा है, अपना माउस मेरे नाम पे लेकर आइए। जैसे मेरे नाम पे लेकर आएंगे, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड टू कॉन्टैक्ट्स दिख रहा होगा, आपको सिंपल ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एवरी संडे मैं जो भी रिसर्च रिपोर्ट लेकर आते रहूंगा, और मेरे अब ब्लॉग्स और आर्टिकल्स आने वाले हैं सेक्टर रिलेटेड, कौन सा सेक्टर बढ़िया चलने वाला है, एंड बहुत सारी चीजें आने वाली है। सो आपको ऐड टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, तो आप लोगों को एवरी डे कोई भी मेरी ईमेल आती है या कोई भी मेरी आप लोगों को चीजें पता चलती है तो मैं आप लोगों को यहां पर बताते रहूंगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को मेरा मेल मिलेगा। ठीक है, आपको सिंपल रिसर्च रिपोर्ट PDF पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे रिपोर्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड वो जैसे डाउनलोड होगी आप उसे क्लिक कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर मैंने आप लोगों को सेक्टर कौन सा बेस्ट है नेक्स्ट वीक के लिए, कौन से स्टॉक्स बढ़िया है, इसके अलावा ऑप्शन के लिए कौन सा एक स्टॉक है जिस पे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं विद लो मार्जिन, बहुत सारी चीजें गाइस इस पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। मैं आप लोगों को एक बार रिसर्च रिपोर्ट खोल के दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वीकली रिसर्च रिपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए। आप लोगों को सेक्टर वाइज पूरा बताया गया, इंडियन मार्केट की समरी दी रखी है, ग्लोबल मार्केट के बारे में और ग्लोबल मार्केट की समरी है। इसके अलावा निफ्टी की एनालिसिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट्स को देखना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है, तो आप इसके थ्रू चार्ट्स पे देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का पूरा डाटा है, पूरा कंक्लूजन दे रखा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी हो गया, उसका ओपन इंटरेस्ट हो गया, सेक्टर कौन सा बढ़िया है नेक्स्ट वीक के लिए, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स बेटर हैं जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है। इसके अलावा ऑप्शन का पूरी एक स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंसेस भी डालते रहते हैं। सो अगर आप लोगों को इसको अवेल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म है, उस पर जाइए, अपनी ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालिए, अपना नाम बिल्कुल करेक्ट डालिए, मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालिए, और वहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट वीक से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज डू गिव योर फीडबैक ऑन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, मेल के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि कैसे लगी है और अगर आप लोगों को कौन से चेंजेस की नीड है। थैंक यू गाइस। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है TVS। TVS मोटर्स पे अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये हमारा एक बेस है, ठीक है, क्योंकि दो सपोर्ट्स रीटेस्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक इसको बेस बना लेते हैं, जिसकी ज़्यादा अभी मुझे नीड लग नहीं रही है। इसके अलावा आई थिंक ये हमारा टॉप का काम कर रहा है, क्लियरली यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये एक टॉप है। इसके अलावा अगर हम लोग फर्दर एनालिसिस करें, हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आई गेस
या आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख गया होगा, ये हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। सो अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम गाइस ओपन करा हुआ है, जब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो हम लोगों ने देखा है ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा रिटेस्ट का हेड गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद अब आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करिएगा। अब कैंडल को देखिएगा, एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एक फॉल आया, नीचे गया बट रिकवर करा, दूसरी बार भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई एग्जैक्टली, इसके बाद दोबारा यहाँ पर इसने एक कैंडल ड्रॉ करी एंड फाइनली इट गिव अ वेरी गुड ब्रेक। अब गाइस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसने अपने ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग कर दी है और इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट एज वेल। सो आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा बाइंग सेटअप बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी और फर्दर एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये टॉप बहुत ऊपर है, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, ये लाइन बहुत नीचे है इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि हमें अपने चार्ट को क्लीन रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा जो एक हर्डल था वो ये था, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली लग रहा होगा ये हर्डल था, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं सपोर्ट था, इस सपोर्ट का इसने एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट, बट रीटेस्ट के बाद दोबारा नीचे आया, तो यानी कि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। इसके बाद दोबारा अब आप देख रहे हैं जब ब्रेकआउट आया तो हमें इस ब्रेकआउट पर बाय नहीं करना था, हमें बाय करना था जब इस जोन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिले, जो कि टीवीएस मोटा के अंदर देखने को मिल चुकी है। अब देखिए होता क्या है, दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और एक स्मार्ट ट्रेडर्स। जो प्रोफेशनल होते हैं वो देखते हैं ट्रेंड लाइन का या एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया, हमें बाय करना है, बट वो आगे ये नहीं देखते कि फर्दर एनालिसिस के थ्रू ब्रेकआउट के टाइम पे यहाँ पर एक हर्डल मिल सकता है जहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर तक यहाँ पर अपने लॉसेस को बुक कर सकते हैं, बिकॉज इस वॉलिटिलिटी में उनको लॉसेस बुक करना ज्यादा ठीक लगता है। बट हमारे लिए एक फ्रेश बाय बनता है जब हम लोग एक पूरा साइकोलॉजी समझ लें स्टॉक की और उसके ऊपर बाय करें। सो आई थिंक ये गुड लेवल है इसके ऊपर बाय करने के लिए, एंड जो सपोर्ट था दैट इज 588, अभी करंट प्राइस है 563 रुपीज़ का, हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर आ चुका तो एक बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको पता है ये टॉप है हमारा एंड ये बॉटम है, तो जब वो टॉप और बॉटम को कनेक्ट करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि आ रहा है 50% इस पूरे फॉल का 50%, दैट इज अराउंड 578 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ से 15 रुपये अभी भी ऊपर है। सेकेंड टारगेट आ रहा है 600 रुपीज़ का, जो कि मुझे लगता है बहुत ईजिली आ सकता है। अगर मैं और फर्दर एनालिसिस करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों को ये देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल हर्डल्स हैं, लेट मी शो यू, गिव मी अ सेकंड, यस, सो यहाँ पर एक मल्टीपल हर्डल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। सी अब देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स थे, इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, यहाँ पर रीटेस्ट आया और एक शार्प फॉल आया, सो ये एक हर्डल बन सकता है। तो डेफिनेटली गाइस हमारे लिए जो टारगेट है दैट इज 580 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 595 to 600 रुपीज का, जो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे डेफिनेटली दिखा सकता है। अब फिबोनाची को हटा देते हैं क्योंकि हमें ज्यादा चीजें चार्ट्स को ऑलरेडी नहीं चाहिए, हम जैसे बात करते हैं तो मैं चल रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न और देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। अब क्लियरली अब आप लोगों को यहाँ पर एक पैटर्न तो डेफिनेटली दिख गया होगा, दिस पैटर्न व्हाट वी कॉल एट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसका बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो आई थिंक हो सकता है कि शायद ये कल रीटेस्ट देने भी आ जाए 560 के आसपास और उसके बाद एक बाउंस दे दे, ठीक है, तो दोनों सिनेरियो, ये तो यहाँ से भी मूवमेंट दे सकता है, अदरवाइज एक नीचे डिप आए और उसके बाद भी मूवमेंट दे सकता है। सो हमारे लिए जो बाइंग रेंज है दैट शुड बी अराउंड 565 to 560 रुपीज, इस 5 रुपये के रेंज के अंदर हम लोग डेफिनेटली अपनी एक बाइंग बना के चल सकते हैं। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर्स। सो बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक, मेरा दूसरा स्टॉक है गाइस अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है बिकॉज ये बहुत इजी है समझना। क्लियरली सबसे पहले आप ये येलो कलर का जोन देख रहे होंगे जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं ये येलो कलर का जोन, अगर आप क्लियरली यहाँ पर समझेंगे, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ एंड आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए ये सबसे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस का एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, इसी रेजिस्टेंस पे एक डबल बॉटम क्रिएट करा है, नेक्स्ट स्टार्टिंग टू मूव बैक अप अगेन, उसके बाद एक कंसिस्टेंट फॉल आती रही आती रही आती रही और एक शार्प फॉल आ गई और इसने इस रेजिस्टेंस के लेवल को सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर दिया। जब सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करा तो वहां पर आप देख सकते हैं बहुत टाइम पॉज करा, इवेंचुअली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट और दोबारा इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली ये स्टॉक अभी आया है एग्जैक्टली इस लेवल पे, एंड इस लेवल पे आने के बाद आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया, डेली टाइम फ्रेम है एंड ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट, रीटेस्ट देने के बाद अभी हम लोगों ने देखा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे इस पर एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्रेकआउट आया। अब गाइस जब ये ब्रेकआउट आया तो जो ब्रेकआउट कैंडल थी, ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल थी,
इसका जो क्लोजिंग प्राइस है जो कि आ रहा है इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर 7.62 रुपीज का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर जाके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। यानी कि ये एक अपमूव आई, एक फॉल आया, दोबारा अपमूव आई, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी है। ठीक है, वरना क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई थिंक बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी आर प्रीवियस स्विंग हाई जो कि ये लेवल है, देन आर टारगेट शुड बी अराउंड 785 to 790 रुपीज, ये हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 20 to 25 पॉइंट्स इजिली ये स्टॉक प्रोवाइड करवा सकता है। अब ये इंट्राडे भी हो सकता है और इसको हम BTST भी लेकर चल सकते हैं जो कि मैं आपको कल की मार्केट लाइव मार्केट पे टेलीग्राम पे अपडेट करते रहूँगा। तो टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा ना गाइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी अमर राजा बैटरी के अंदर एनालिसिस। बिकॉज क्यों ये स्टॉक मैंने कमेंट कर रहा हूँ, अब आफ्टर अ वेरी शार्प फॉल अब आगे जाके ये हायर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो यानी कि पॉसिबल रिवर्सल ये हो सकता है और यहाँ से स्टॉक रिकवर करना स्टार्ट कर सकता है, इसलिए स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड करा गया है। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की, इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, FIR का डाटा और ओपन इंटरेस्ट का डाटा के ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। हमारा लास्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। अब गाइस आरती इंडस्ट्रीज पर भी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है बिकॉज ये मैं आप लोगों को पास वीक में बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ। अब बहुत बार रिकमेंड करने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर नहीं गया है। हाँ गाइस अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, हमें बाय करना था इसके ऊपर ब्रेकआउट पे, बट स्टॉक के अंदर एक बेस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप सिंपल देखिएगा, एक राइजिंग चैनल है, एक राइजिंग चैनल के साथ ही उसी के अंदर एक डाउन ट्रेंड चैनल है। अब डाउन ट्रेंड चैनल जो है ना, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं उस पर्टिकुलर चैनल पे, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अपने सपोर्ट को इसने रीटेस्ट करता है और जो राइट और जो लॉन्ग टर्म वाला राइजिंग चैनल है एग्जैक्टली उसके बेस को इसने टेस्ट करा और यहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करा। अब आपको अगर देखेंगे तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर पुट करी हुई है एंड एग्जैक्टली इसके नीचे एक दिन क्लोजिंग, उसके बाद एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट। अब इसी के ऊपर ही अपना एक बेस क्रिएट कर रहा है। अब आप स्टॉक की साइकोलॉजी को समझिएगा। अब आप अगर इस कैंडल में यहाँ पर अगर फोकस करेंगे, देखिए पहले अपमूव दी, फिर एक फॉल्स आया, उसके बाद दोबारा अपमूव दिया। अब आप देख रहे हैं ना, ये एक रेंज के अंदर बन चुका है, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बट अब आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर अभी तक इसने क्लोजिंग दी नहीं है। ये देख रहे हैं, यही इसका ओपनिंग प्राइस होता है, यही इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। अब ओपनिंग प्राइस कैसे होता है, जो रेड कलर ब्लैक कलर की कैंडल देख रहे हैं जो कि बियरिश कैंडल है, एग्जैक्टली वहां पर ओपन होता है, ऊपर जाती है, आप देख रहे हैं ये विक्स ऊपर है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट इवेंचुअली इसी के नीचे हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अब ये लेवल क्या है, ये लेवल है 942 रुपीज का, करंट प्राइस है 941 रुपीज का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया तो मैंने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है। सो मेरे को लगता है 15 मिनट की क्लोजिंग पे हमें कोई फायदा मिलने नहीं वाला है। लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। जब 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे मैं आया तो मेरे को देखने को मिला यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल आई, एक फॉल आया, यहाँ एक इंडिसाइसिव कैंडल आई, एक फॉल आया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर शुरुआत पे कितना रिजेक्शन, फ्राइडे को मैं ऊपर गया बट रिजेक्शन देखने को मिला। सो अब हमें करना क्या है, अब हम दोबारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे मैं एक एनालिसिस करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर टॉप लूंगा एंड बॉटम लूंगा एंड मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है इस लेवल के ऊपर, कल हमें इस पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए। पहली बात क्यों गैप अप ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे है। अगर अब इसे एक ब्रेकआउट देना है, एक शार्प अपमूव देनी है, तो उसे गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी, तो वो एक कंफर्मेशन होगा। अब गैप अप ओपनिंग के बाद 15 मिनट की कैंडल अगर एक बुलिश क्लोज करती है, एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल अगर बंद हो जाती है, तो डायरेक्टली हमें बाय कर लेना है। अब ठीक है सर, हमने बाय तो कर लिया, व्हाट शुड बी आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या होगा? तो देखिए हम जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, दैट शुड बी फर्स्ट टारगेट शुड बी 960 रुपीज का एंड आवर लास्ट टारगेट शुड बी 980 रुपीज का, जो मुझे लगता है ये आरती इंडस्ट्री बहुत इजीली दिखा सकता है। दूसरी चीज, अभी तो ये जो मैंने टारगेट्स बताए हैं बहुत ज़्यादा छोटे टारगेट्स बताए हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं वो 1000+ के हैं, जो कि हम लोगों ने अभी लॉन्ग टर्म चैनल देखा था ना, तो लॉन्ग टर्म चैनल के अकॉर्डिंग 1000-1050 रुपीस के भी टारगेट इस पे देखने को मिल सकते हैं। तो वॉच लिस्ट के अंदर जरूर मेंटेन करिएगा, स्टॉप लॉस लगाना है तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आप लोग लगा सकते हैं। सो ये था हमारे 3 स्टॉक्स। इसके अलावा मैंने 4 स्टॉक्स आपको रिसर्च रिपोर्ट पे ऑलरेडी शेयर करे हैं, तो मेल पे जाके आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं एंड ऐड टू कॉन्टैक्ट्स करना बिल्कुल मत भूलेगा, वरना आप लोगों को मेल अगर ना बाय चांस ऐसा हो सकता है कि कभी आपको मेल ना भी मिले। ठीक है।
ठीक है। सो अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, इसके अलावा बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के डाटा की। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि यहाँ पर एक बेस इसने क्रिएट कर दिया है, अदरवाइज ये गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि शुरुआत पे जो हमारा टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग और टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक्चुअल में हुआ क्या, जब हमने आप लोगों को ना दो स्ट्रैटेजी दी थी, पहली स्ट्रैटेजी क्या थी कि शुरुआत में तीन कैंडल में से दो अगर बियरिश बनती है तो हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। दूसरी थी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले कैंडल जो बन रही है उसको बनने दो, इसके बाद हमें जो 16th मिनट वाली कैंडल होगी एक मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर वो इसके नीचे ब्रेक डाउन करती है तो शॉर्ट है, इसके ऊपर 50% के ऊपर निकलती है तो हमें लॉन्ग करना है। हुआ क्या, इसके ऊपर गया 50 मिनट के ऊपर, इसने लॉन्ग करा। बट यहां पर साइकोलॉजी की बात आती है कि जब इतना बड़ा एक गैप डाउन हमें देखने को ऑलरेडी मिल गया तो उसके बाद हमें ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो ही नहीं करना, दोनों को हमें फॉलो नहीं करना, आप देख सकते हैं। बट यहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको ट्रेड लेना है, क्या बोला था मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे कि आप लोगों को ट्रेड लेना है, आज की मार्केट आपको बताएगी कि कैसे आप अपना टर्न अराउंड कर सकते हो। अब आप देखिएगा हुआ क्या, एक्चुअल में पूरे टाइम मार्केट साइडवेज रही, आप देख रहे हैं पूरे टाइम मार्केट साइडवेज ही रही, ना ऊपर गई ना नीचे गई। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने शॉर्ट बनाया होगा तो भी आपका लॉस है, अगर आपने लॉन्ग करा होगा तो भी आपका लॉस है। यहाँ पर प्योरली आप लोगों को अगर कॉल और पुट शॉर्ट करा होता तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते, ठीक है। बट साइकोलॉजी आप मेरा समझ गए ना कि कहाँ पर हमें क्या यूज करना था, कहाँ पर क्या यूज नहीं करना था। अब देखिए दो सिनेरियो, कल अगर इसके ऊपर ये जोन जो है 17,620 रुपीज का, अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट की, हम लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा 17,680 रुपीज का। अदरवाइज अगर इसके पास खुलता है, जो कि प्रॉबेबली अभी मार्केट दिखा रहा है जीएस निफ्टी की इसके पास खुल सकता है, तो हमें चेक करना है कि वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। बट कल के ट्रेडिंग सेशन पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें 15 मिनट की कैंडल वाला ये फॉर्मूला पैटर्न यूज नहीं करना, तब हमें शुरुआत की तीन कैंडल एक एक मिनट की तीन कैंडल का यूज करना है। क्यों, 15 मिनट पे हो सकता है कि भाई एक बार 15 खुलते ही शुरुआत पे ऊपर जाए उसके बाद एक क्या बोलना बता सकते हैं ऊपर विक बन जाए और एक नीचे बियरिश हैमर क्रिएट कर दे या इंडिसाइसिव कैंडल बना सकती है, उसके बाद यहां से रिजेक्शन लेकर नीचे आ सकती है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और हमें हर चीज को समझना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों को अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा और हम लोगों को दोबारा री एंट्री भी लेनी पड़ेगी। गाइस इसके ऊपर हमें बाय करना है, दिस शुड बी आर टारगेट। अब आप बोल रहे हो सर अर्ली एग्जिट लो, अर्ली एग्जिट लेंगे तो ये टारगेट्स को हम रीच नहीं कर पाएंगे। देखिए दो टाइप के ट्रेडर्स होंगे, सबसे पहले तो मार्केट ओपन होते ही जो भी 918 पे प्राइस होगा, 918 पे एक एक मिनट की तीन कैंडल बन जाएंगी, 918 पे 919 पे हमें ट्रेड लेना होगा जो भी डायरेक्शन मूवमेंट होगी। 919 पे ट्रेड लेंगे ऑलमोस्ट 925 के आसपास हम लोगों को एग्जिट कर लेना होगा, ये 6 से 7 मिनट की ही ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा 15 मिनट की जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर वर्क नहीं आएगी अगर गैप अप ओपनिंग होती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इस लेवल के नीचे तो हमें क्लियरली शॉर्ट कर देना है, पर 15 मिनट की क्लोजिंग वहां पर भी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों, जब नीचे आएगा और अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए और यहां से स्टॉक ऊपर बढ़ना और इसके अंदर क्लोज कर दे। अगर इसके अंदर क्लोज हो गया दोबारा तो एक बाइंग सेटअप तब जनरेट हो सकता है। ये थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, बट इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है गाइस। एक बार इसको क्लेरिफाई करने के लिए ना, कंफर्मेशन लेने के लिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक कर लेंगे। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी एग्जैक्टली सेम एनालिसिस है जो हम लोगों ने निफ्टी पे देखी है, एग्जैक्टली ये भी सपोर्ट पे है। यहां पर भी एक आप देख सकते हैं सिंपल एक रेंज है जिस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होगी तो हमने जैसा आपको निफ्टी पे बताया है एग्जैक्टली वैसा करना है, इसके नीचे गैप डाउन होगा तो एग्जैक्टली जो बताया वो करना है। अब लेवल चेक कर लो, गैप डाउन है 36,980 के नीचे और हमें बाइंग जो करनी है वो बाइंग करनी है 37,330 के ऊपर, ठीक है। अब ये जो मैंने डाटा लिया है इस डाटा को एक बार ओपन इंटरेस्ट से मैच करते हैं, एफआईआई के डाटा को चेक करते हैं और एक प्रिडिक्शन करते हैं ये मार्केट की क्या मूवमेंट लग रही है इस एक्सपायरी के लिए। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले हम लोग कॉल चेंज की बात करेंगे। तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 18,000 पे एंड सेकंड हाईएस्ट है 17,500 पे। अब 18,000 का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा दूर है, 500 पॉइंट दूर है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग में इसी को मानूंगा और इसको मैं सेकंड हाईएस्ट मानूंगा। अब हाईएस्ट है 17,500 पे, क्लोजिंग प्राइस क्या है 17,530 का। सेकंड हाईएस्ट है 17,600 पे और हमारा ब्रेकआउट क्या है 17,630 का।
अब देखिए क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे एनालिसिस करती है, ठीक है, ऐसे एनालिसिस होती है। 17,500 हाईएस्ट कॉल रेटिंग है, तो यानी कि इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि इसके नीचे अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पर हम लोगों को एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस जो मान के चला है दैट इज 17,600 का, जो कि हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस मान के चला है। हमने आपसे बोला था अगर उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि क्या सिनेरियो है और उसके हिसाब से हम लोगों को अपनी ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 17,600 पे अगर प्रेशर आना स्टार्ट हुआ मार्केट पे और वो नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये जो हाईएस्ट कॉल रेटिंग है वो ये बन जाएगी और उसके बाद हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हाईएस्ट पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है दैट शुड बी 17,400 कि अगर 17,500 के नीचे जाता है तो 17,400 एक बेस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये थी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी, बट अगर आप कॉल और पुट चेन देखेंगे तो दोनों सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली ओपन इंटरेस्ट की। सो बैंक निफ्टी का ओपन कर चुके हैं हम लोग एंड क्लियरली यहां पर हम लोगों को ग्रीन से ज्यादा रेड देखने को मिल रहा है। अब देखिए कॉल राइटर्स की मैं बात करूं तो सिमिलर सारे के सारे कॉल राइटर्स इक्वल है, कहीं पर भी हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट मुझे देखने को मिल नहीं रहा। तो अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं क्लोजेस्ट से तो 37,200, 37,000, 38,000 इसके आसपास कॉल राइटर्स हैवी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 37,500 पे पुट राइटर एग्जिट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा जो हर्डल देखने को मिल रहा है 37,500 पे है। अब अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पर है 37,200 और 37,300 पे, इसके अलावा 37,000 पे। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि 37,000 और 37,300 ये एक रेंज है, इसके बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करना बिकॉज आप देख रहे हैं 37,000 से लेके 37,300 तक कॉल और पुट राइटर्स की फाइट है। तो वहां पर ऊपर नीचे के चक्कर में आप लोगों ने अगर कॉल या पुट बाय कर ली तो आपके लॉसेस हो सकते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसके आगे हम लोगों को एक बाइंग देखने को मिल सकती है, इसके नीचे हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब 37,300 अगर ब्रेकआउट होता है तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है 37,500 का, बिकॉज वहां पर जो बेस क्रिएट करके पुट राइटर बैठे हुए थे वो लोगों ने पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट और हल्के हल्के एग्जिट कर रहे हैं। सो यानी कि अपसाइड में थोड़े बहुत हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं बट ऑन अ डाउन साइड हर्डल्स कम है और नीचे इजीली जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि यानी कि मैं कह सकता हूँ मार्केट साइडवेज रहने की पूरी कोशिश करेगी बट अगर ब्रेकआउट आता है तो जल्दी एग्जिट करना, ब्रेकडाउन आता है तो टारगेट्स तक आप लोग वेट कर सकते हो, ठीक है। एक बार एफआईआई का डाटा चेक करते हैं। एफआईआई के डाटा पे कॉल जो बाइंग हुई है वो 88,000 की हुई है क्वांटिटीज एंड पुट बाइंग हुई है 200,000 क्वांटिटी, यानी कि वो लोग मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ओपन ऑप्शंस के थ्रू वो लोग शॉर्ट में है, वो लोग बियरिश है। इसके अलावा उन लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ 415 करोड़ का। डीआईआईज ने शॉर्ट करे स्टॉक्स, डीआईआईज ने स्टॉक्स पे एग्जिट लिया, आप देख सकते हैं -613 करोड़ की लोगों ने पोजिशन शॉर्ट करी है। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने ना पूरे डाटा का स्ट्रक्चर ओपन करा है, ये डाटा का स्ट्रक्चर है 20 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का। अब आप देखिएगा इस पे 3 बार सिर्फ डीआईआई ने कैश में सेलिंग करी है, जब इसने फॉर एग्जांपल 20th को एक सेलिंग करी थी, अगले दिन इन्होंने 21st को निफ्टी एक टॉप बना के नीचे आई थी, उसी दिन मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम था। इन लोगों ने फिर 24th ऑफ सितंबर को आप देख सकते हैं 516 करोड़ की सेलिंग करी थी, तो 27th को अगले दिन भी मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम था। अब इन्होंने दोबारा शॉर्ट करा हुआ है तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कि कल भी एक बियरिश मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस डाटा के बेसिस पे कह रहा हूँ, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी कह रहा है, प्लस हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस भी कह रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को पॉइंट पता चल गया होगा कि मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन पे वॉलेटाइल रह सकती है, साइडवेज टू अप ट्रेंड इज वेरी लिमिटेड एंड डाउन साइड इज वेरी ह्यूज। तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में जरूर रखनी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस होल वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोग हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे होंगे, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर विद इन दिस अक्टूबर मंथ। इसके अलावा मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और ईमेल तीनों जगह जरूर फॉलो करना बिकॉज आप लोगों के लिए ही ये सारी मेहनत करी जा रही है और आप लोगों के लिए ही टाइम निकाला जा रहा है। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।